गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रेनोवेशन की कॉस्टिंग की कि हमें कौन से मटेरियल यूज़ करने चाहिए, क्या कॉस्टिंग आती है मटेरियल की और लेबर की, एंड कैसे आप अपने घर में अपने रेनोवेशन की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम आए हैं आप इस चैनल पर तो माई नेम इज़ भावना, आप देख रहे हो आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटीरियर की और डिज़ाइनिंग की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एक बेडरूम का, जिसका साइज़ है 12 फिट बाय 10 फिट। एंड हम रेनोवेशन में ना 4 स्टेप्स मेजर होते हैं, इलेक्ट्रिकल, फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग एंड पेंट। तो आज हम ये 4 स्टेप बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में ना बेडरूम में मेजरली 8 पॉइंट्स होते हैं। आपका मेन स्विचबोर्ड हो गया, आपके 2 पॉइंट्स हो गए साइड टेबल के ऊपर, 1 पॉइंट हो गया आपका टीवी का ऊपर और नीचे, देन 1 हो गया आपका एसी का, बाकी 2 हो गए आपके 2 वे, बेडरूम से बाथरूम में जाने के लिए एंड बेडरूम से बालकनी में जाने के लिए। तो मेजरली ये 8 पॉइंट्स आपके होते हैं एक बेडरूम के अंदर, जो बहुत ज़रूरी होने ही होने चाहिए। अब ना अगर आप करवा रहे हो रेनोवेशन, मतलब कि आपका कोई फ्लैट है या फिर आप घर में रह रहे हो लेकिन आप कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो उस केस में क्या होता है ना, आपके घर में इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स ऑलरेडी डले हुए हैं लेकिन अब आपको इनको थोड़ा शिफ्ट करना होगा या चेंज करना होगा। तो अगर आपके पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, सपोज बेड के आसपास साइक्लेबल पॉइंट्स हैं नहीं, अगर हैं तो बहुत दूर है, तो अब आप चाहते हो कि वो साइक्लेबल के ऊपर है, तो पॉइंट्स जो शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा नया जीआई बॉक्स डलता है, झीरी कटती है, वायर एक्सटेंड होती है। तो अगर मैं बात करूँ वायर की ना, तो इलेक्ट्रिकल में हमेशा आपको सिर्फ 3 कंपनी की वायर ही यूज करनी है, RR केबल हो गया, फिनोलेक्स हो गया या फिर पॉलीकैब, अलावा कोई और वायर यूज़ नहीं करनी। एंड तीनों सेम प्राइस की आती हैं। अगर फिनोलेक्स 1550 की है तो एक 1530 की है और एक 1540 की है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 रुपये का फर्क होता है, तीनों सेम रेट की ही आती है। तो इस केस में ना विद मटेरियल आपको 1 पॉइंट पड़ता है 1000 रुपये का, जिसके अंदर आपका लेबर आ गया एंड आपका जीए का बॉक्स आ गया एंड आपकी पीवीसी की पाइप आ गई एंड अंदर आपके जो भी वायर चल रही है वो आ गई। उसके बाद इसके ऊपर एक्सटर्नल खर्चा आता है, आपकी इलेक्ट्रिकल की प्लेट, स्विच, सॉकेट, जो भी आप यूज कर रहे हो। अब गाइस इसके लिए ना बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब कि आप लगाओ एंकर है, ली ग्रैंड है, नॉरिस है। एंकर की एक प्लेट 9x3 यानी कि 8 मॉड्यूल की अगर कॉस्ट कर रही है आपको 300 रुपये, तो वही आपके आपको ली ग्रैंड और नॉरिस से कॉस्ट करती है 350-400 रुपये। तो ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड में जाना चाहते हो। एंड अगेन ना आप इंटीरियर करा रहे हो तो जो आपकी प्लेट होगी वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेटल की आती है, प्लास्टिक की आती है एंड आपकी ग्लास की आती है। तो जो चीज आप चूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है ग्लास की, जो आपकी एक प्लेट ही आराम से आएगी 1500 से 1600 रुपए की। उसके बाद जो स्विच हो गए एंड जो कलर्स हो गए, सपोज आपको नॉर्मली व्हाइट नहीं चाहिए, व्हाइट सबसे ज़्यादा सस्ता आता है, अगर आपको चाहिए ब्लैक तो आपको 30 रुपये और देने पड़ेंगे, अगर वुड तो 40 रुपये और देने पड़ेंगे। तो इस अकॉर्डिंग ना आपकी जो ये प्लेट की रेट है वो आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करती है, जिसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर सबसे पहले ना हमेशा अपनी इलेक्ट्रिकल की कॉस्टिंग, ये आपकी 1 पॉइंट की कॉस्ट करेगी 1000 रुपये, यानी कि 8 पॉइंट है तो 8000 रुपये विद लेबर खर्चा का आपका एक बेडरूम का। उसके बाद जो आपकी ये वाली कॉस्टिंग है ना, इसके लिए हमेशा पहले मार्केट जाओ, एक बार देखो कि आपको पसंद क्या आ रहा है, क्या आपको नॉर्मल वाइट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो कौन सा कलर चाहिए एंड वो कितने रेट का पड़ रहा है एंड कौन से ब्रांड में चाहिए। आई प्रेफर ली ग्रैंड, वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, लेकिन लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है। तो ये सारी बातें होगी आपकी इलेक्ट्रिकल की। एंड हमेशा ट्राई करना कि जो आपका इलेक्ट्रीशियन आएगा उससे जब लेबर रेट की बात करो तो वो आपका 1 पॉइंट का रेट लेता है 300 से 400 रुपये। उसके बाद सारी कॉस्टिंग होती है आपकी मटीरियल की, 700-800 रुपये जो कॉस्टिंग आती है वो खाली कॉस्टिंग आती है आपकी मटीरियल की। एंड मटीरियल में कभी भी कोई जूसी नहीं करनी, हमेशा आपको अच्छे ब्रांड का वायर ही खरीदना। इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल के बाद हम कराते हैं फॉल सीलिंग। अब फॉल सीलिंग के आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, POP, जिप्सम एंड PVC। तो सबसे चीप पड़ता है PVC, आपको PVC कॉस्ट करता है 40-50 रुपीज पर स्क्वायर फिट, लेकिन आई डोंट प्रेफर PVC। फर्स्ट मुझे लुक नहीं पसंद, लुक अच्छी आती नहीं है, बहुत हैवी लुक लगती है, तो इसलिए ना आई प्रेफर जिप्सम या फिर POP। अगर मैं इन दोनों से बात करूँ तो आई जनरली प्रेफर POP एंड यहाँ पे POP का बोर्ड नहीं, POP की पाउडर, बिकॉज बोर्ड में एक दिक्कत आती है, जहाँ पे वो 2 बोर्ड ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे आपको हमेशा एक लाइन दिखाई देती है एंड उस लाइन पे पेंट करने के बाद भी वो फिनिशिंग नहीं आ पाती, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आप POP में जाए। तो जो POP का रेट है वो आपका पड़ता है
100 रुपये पर स्क्वायर फिट। अब आपके पास जो रूम है वो 12 बाय 10 का है, यानी कि 120 स्क्वायर फिट। अगर आपको प्लेन फॉल सीलिंग चाहिए, मतलब कि सिर्फ लेवल डाउन करवा दो लाइट लगवाने के लिए, तो कॉस्टिंग क्या आएगी आपकी, 120 स्क्वायर फिट इंटू 100 रुपीज ओनली। लेकिन बाई एनी चांस अगर आपने कोव बनवाई है या फिर ग्रूव कट करवाए हैं, तो हमेशा ग्रूव को और जो आपका आपकी कोव होती है, जो कोव होती है, इनको हम नापते हैं रनिंग फीट में, एंड ये आपको कॉस्ट करते हैं 23 रुपीज रनिंग फीट। अब नापते कैसे हैं, सपोज 12 बाय 10 का रूम है एंड यहाँ पे मेरी कोव आई हुई है, तो यानी कि 12 फीट की कोव होगी, तो 12 × 23, तो दैट्स द रीजन हम ऐसे नापा जाता है हमारा कोव। एंड अगर आपने ग्रूव्स मारे तो ग्रूव को भी हम सिर्फ एक लाइन की तरह मेजर करते हैं एंड देन उसको मल्टीप्लाई करते थे 15 रुपीज से। लेकिन फॉल सीलिंग में आपका इलेक्ट्रिकल भी आता है। अब फॉल सीलिंग में क्या क्या आता है आपका इलेक्ट्रिकल में, आपको सिर्फ वायर चाहिए एंड देन पीवीसी का पाइप चाहिए। अब वायर अगेन अच्छे ब्रांड की यूज करोगे, यानी कि आर आर केबल हो गया, पॉलीकैप हो गया या फिर फिनोलेक्स हो गया। अब आपके ना नॉर्मली 12 बाय 10 के रूम में 7 से 8 लाइट आती है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपना सामान जो है वो खुद लेके आओ। आपको जनरली ना एक बंडल जो आता है वो 90 मीटर का बंडल आता है किसी भी ब्रांड का, तो आपका 1.5 बंडल ही लगता है एक कमरे के अंदर। तो एक बंडल आपका 1500 का, तो 3000 के अंदर ना आपका बंडल, आपकी पीवीसी पाइप ईजिली आ जाएंगी। और जो लेबर है वो चार्ज करती है 200 से 250 रुपये पर पॉइंट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना लेबर अलग रखो, मटेरियल अलग रखो, वरना आपकी जो लेबर है उसको विद मटेरियल भी दे सकते हो। एंड हमेशा ध्यान रखना आपके जो वायर्स हैं वो हमेशा पीवीसी पाइप से कवर होनी चाहिए। के बाद हम बात करते हैं लाइट्स की। अब लाइट्स ना बहुत सारे तरीके की आती हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लाइट्स की, यानी कि पैनल की और एक स्पॉटलाइट की, तो फिलिप्स की पैनल आपको कॉस्ट करेगी 300 से 350 रुपये। बहुत ही अच्छी कंपनी है फिलिप्स, एंड जो लाइट है वो भी लॉन्ग लास्टिंग लाइट है। एंड अगर बात करूँ स्पॉटलाइट की, जो अच्छा खासा फोकस बनाएगी आपके कमरे में, वो कॉस्ट करती है आपकी 800 से 1000 रुपये में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड अगर आपको कुछ और लाइट डलवानी है, यानी कि मैग्नेट लाइट हो गई या ट्रैक लाइट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कॉस्टिंग है वो रिवाइज होती जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब आती है फ्लोरिंग की बारी। तो बेडरूम में ना फ्लोरिंग के भी हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला आपने टाइल लगानी है, सेकेंड आपने लैमिनेट फ्लोरिंग लगानी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड थर्ड आपने मार्बल लगाना है। अगर आपका बजट कम है एंड आपको लुक बहुत ज़्यादा क्लासी चाहिए, तो आप जा सकते हो लैमिनेट फ्लोरिंग में। लेकिन फ्लोरिंग में ना कोई भी चाइनीज ब्रांड या फिर लोकल ब्रांड की फ्लोरिंग नहीं खरीदनी, बिकॉज क्या है, वो वुडन फ्लोरिंग है, लैमिनेट फ्लोरिंग है। अगर वो पानी से फूल गई तो आपके सारे पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो हमेशा या तो एक्सेंटेसा हो गया या ग्रीन प्लाई, जो वेल नोन ब्रांड है, आपको उन्हीं की लैमिनेट फ्लोरिंग खरीदनी है। अब लैमिनेट फ्लोरिंग में बहुत सारे कोड्स आते हैं, AC1, AC2, तो हमेशा अच्छे अपने घर के लिए ना आपको AC4 से स्टार्ट करना है, बिकॉज जो AC1 और जो AC2 होते हैं वो आपके स्ट्रेन प्रूफ नहीं होते, स्क्रैच प्रूफ नहीं होते। हमेशा आपको AC4 से स्टार्ट करना है अपने घर के लिए खरीदने के लिए, जो आपको कॉस्ट करेगा 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। उसके बाद जो उसमें लेबर कॉस्ट आती है वो आपकी आती है 20 से 25 रुपए, एंड इसमें लगता है रॉ मटेरियल में होता क्या है, फर्स्ट लगती है पॉलिथिन ताकि आपका सीपेज ना आए, एंड सेकंड लगती है फॉर्म ताकि दबक ना हो एंड आवाज ना आए चलने पे। तो ये सारा जो रॉ मटेरियल है एंड जो आपका लेबर है वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 50 रुपीज पर स्क्वायर फिट। तो इट मीन्स ना 140 रुपीज में आपकी जो लैमिनेट है वो बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप 120 को इंटू 140 करते हैं तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। फ्लोरिंग निकालते कैसे हैं, तो जो भी आपका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 12 × 10 120 स्क्वायर फिट, इसके साथ आपकी स्कर्टिंग के लिए हम हमेशा 6 to 7% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, जिसमें आपकी स्कर्टिंग भी ऐड हो जाती है एंड जो एक्स्ट्रा टाइल्स हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं टाइल की। तो टाइल में क्या है, सब टाइल में ना तीन कॉस्टिंग होती है, टाइल खरीदने का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर आपका जो टाइल है वो आपका कॉस्ट कर रहा है 60 to 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, तो ये आप शॉप पे जाके देख सकते हो। जनरली जो टाइल्स आती हैं अच्छी टाइल्स आपको पसंद आएगी 32 बाय 64, वो स्टार्ट होती है 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट से। उसके बाद जो आपका लेबर है वो आपसे चार्ज करता है 35 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट एक टाइल को लगाने का। अब जो उसका रॉ मटेरियल है वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में फिनिश कर रहे हो। सपोज अगर आप उसको लगा रहे हो सीमेंट से, तो कॉस्टिंग आती है 18 रुपये पर स्क्वायर फिट। एंड अगर आप लगा रहे हो केमिकल से, तो केमिकल ना आपका 50% एक्स्ट्रा होता है आपकी सीमेंट से, तो वो आपको कॉस्ट करता है
₹35 पर स्क्वायर फीट विद इपॉक्सी। तो हमेशा आई प्रेफर कि आप केमिकल से ही लगाओ, बिकॉज वन टाइम कॉस्ट है लेकिन आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। लॉन्ग लास्टिंग होती है, टाइल ब्रेक नहीं होती, कभी भी चिप ऑफ नहीं होती, एंड जो इसकी इपॉक्सी भी है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब चाहे ना आप अपने टाइल को विद स्पेशल लगाओ या विदाउट स्पेशल लगाओ, जो इपॉक्सी है वो जॉइंट्स में ऑफकोर्स फिल होती ही होती है। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर ना कि कभी भी सीमेंट इपॉक्सी यूज़ मत करना, हमेशा ग्राउट इपॉक्सी ही यूज करना। एंड कई लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए सीमेंट के अंदर ग्राउट इपॉक्सी को मिक्स करके फिर लगाते हैं, तो इससे कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन जो आपकी ग्राउट इपॉक्सी का वो होता है ना अच्छी चीज़ की, वो पानी को सकन उन्हें नहीं देती, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए मिलावट मत करना, सिर्फ आपको ग्राउट इपॉक्सी ही यूज करनी है। आता है आपका मार्बल। अब गाइस अगर आपको मार्बल फ्लोरिंग चाहिए तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है, बिकॉज इसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। फर्स्ट मार्बल खरीदने की कॉस्ट, सेकेंड आप उसको लगाने की कॉस्ट, मार्बल लगाने के लिए उसके केमिकल की कॉस्ट, देन उसको पॉलिश करने की कॉस्ट। तो आपको ना मार्बल की फ्लोरिंग पड़ती है अराउंड ₹500 पर स्क्वायर फीट, जिसके अंदर जो आपका मार्बल है वो आपका होगा अराउंड ₹300 का। तो ₹200 पड़ता है आपको पॉलिश का एंड केमिकल का एंड आपकी लेबर का। वो मार्बल इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड लुक चाहिए तो आप 120 स्क्वायर फीट जो आपका एरिया है, आपको अगेन 7% एक्स्ट्रा लेना है, बिकॉज आपकी स्कर्टिंग्स भी आएंगी, एंड उसके बाद आप इसको ₹500 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी आपकी मार्बल के साथ फ्लोरिंग की कॉस्ट। अब हम चलते हैं पेंट पे। तो पेंट में क्या होता है ना, सबसे पहले ना पेंट में आपकी सारी वॉल्स अलग अलग नापी जाती है। सपोज 12x10 का आपका रूम है एंड हाइट है 10 फीट की, तो आपकी जो चारों वॉल है इसमें से डोर विंडो माइनस करके अलग नापी जाएंगी, एंड देन आपकी सीलिंग को अलग नापा जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम अपने पेंट की कॉस्ट निकालते हैं। अब पेंट में क्या कॉस्ट होती है, सपोज सबसे पहले होगी पुट्टी। तो अगर आपको एक्रेलिक पुट्टी पे नॉर्मल पेंट करवाना है तो आपको पड़ता है पर स्क्वायर फीट अराउंड ₹26। लेकिन अगर आपको पीओपी पनिंग पे पुट्टी पेंट करवाना है तो पनिंग की कॉस्ट अकेली कॉस्ट आती है ₹25 पर स्क्वायर फीट। उसके बाद पनिंग के बाद हम उस पर करते हैं चौक मिट्टी का लेप, दो कोट होते हैं, देन प्राइमर, बीच में सैंडिंग भी होती है, देन प्राइमर एंड देन आपका होता है पेंट। तो इसमें दो कॉस्ट ऐड होती है, पनिंग की ₹25, देन आपके पेंट की ₹23 से ₹24, जो भी आपने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग। तो आपको पीओपी पनिंग एंड नॉर्मल एक्रेलिक पुट्टी के साथ पेंट एक्सपेंसिव, डबल एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ऑफकोर्स लुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपने ना कोई शीन वाला पेंट लिया है तो आप हमेशा जाओ एक्रेलिक पुट्टी में। लेकिन अगर आपने मैट फिनिश पेंट लिया है, जो जैसे कि सपोज आपका एशियन पेंट का मैट इमल्शन हो गया जिसकी लुक मैट आने वाली है, तो उस केस में ना आपको हमेशा जाना है अपना पीओपी पनिंग में। बिकॉज क्या होती है, कोई भी जो वॉल है वो कभी भी सोल सूट में नहीं होती, उसके अंदर हमेशा हमेशा दबक होगी ही होगी, बिकॉज कोई भी कितना अच्छा मेसन क्यों ना हो लेकिन कहीं ना कहीं गलती करता ही है। तो ये जो सारी गलती ना सिर्फ आपका पेंटर छुपा सकता है। तो अगर आप पीओपी पनिंग कराते हो तो जो आपको वॉल जो मिलती है वो बिल्कुल स्मूथ वॉल मिलती है, एंड अगेन दबक नहीं दिखती उस वॉल के ऊपर। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब लाइट ऑन होती है ना तो आपको ना अपनी वॉल में ना एक अलग से इंडुलजन नजर आती है कि कुछ कुछ है, कुछ ऊपर नीचे है, कुछ दबक है। तो जो दबक है ना वो सिर्फ आपकी पीओपी छुपा सकती है, एक्रेलिक पुट्टी भी दबक को नहीं हाइड कर सकती। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, अगर शीन वाला पेंट है तो गो विद एक्रेलिक, बिकॉज शीन में क्या है ऑलरेडी वो हल्का सा शाइन मार रहा होगा तो उसमें इतना ज़्यादा दबक का पता नहीं चलता। लेकिन मैट में जब बिल्कुल प्लेन वॉल है तो उस केस में ना आपको इतनी सी भी दबक लाइट ऑन होने के बाद बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। एंड अगर आपको लश लुक चाहिए तो आई ऑलवेज प्रेफर कि पनिंग करा के आप हमेशा मैट फिनिश के अंदर जाओ। मैट फिनिश बहुत ज़्यादा इन है एंड बहुत रिचनेस लेके आता है आपके घर के अंदर। तो गाइस आज हमने बेसिक ब्यूटी डिस्कस किया है। अगर यू वांट कि हम इसका इंटीरियर पार्ट भी लेके आए, मतलब कि आपके बैक वॉल में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, वार्डरोब, बेड, साइड टेबल्स, तो जस्ट लेट मी नो, कर्टेंस हो गए एंड तो सो लेट मी नो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी का सेकंड पार्ट आ पाए एंड उसमें हम डिस्कस करें इंटीरियर का भी हो क्यों। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।